इनको एक ही निवेदन किया है कि प्रयास करो चुनाव ना हो। संस्था काफ़ी पिछड़ गई है, संस्था अच्छी रहे, मिलजुल के प्रयास करो। और जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं किसी भी तरफ जो है चुनाव में हिस्सा नहीं लेता। कोई मेरा नाम ले तो वो भी गलत है, ना इधर ना उधर में कोई हिस्सा नहीं लेता। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि भाई बैठ के और कंसेंसस कैंडिडेट बना दिया जाए और सब मिलके संस्था को उठाएं। हमारा हिसार की जाट संस्थाओं का इलेक्शन होने जा रहा है। अभी लगभग 2 साल से उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है और जो पिछली कार्यकारिणी थी उसका समय पूरा होने के बाद भी वो काम करती रही। हमारे कॉलेजियम का चुनाव हुए भी लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन सरकार ने उसका इलेक्शन नहीं करवाया था। अब ये इलेक्शन की डेट आई है हमारी 26 मार्च की, इसमें चुनाव होना है। और जो पिछली लंबे टाइम से जो इस संस्था के ऊपर काबिज रहे हैं लोग, उन्होंने इस संस्था की तरक्की करने की बजाय संस्था को बिल्कुल गर्त की तरफ लेके गए हैं। उसमें बहुत ऐसे मुद्दे हैं, हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक एक आदमी जानता है। और संस्था तो जाट संस्था के नाम से है, लेकिन पढ़ाई तो उसमें हर वर्ग का 36 बिरादरी के बच्चे करते हैं। एक ज़माना होता था हमारा जाट कॉलेज कॉमर्स के लिए बहुत ही जाना माना, पढ़ाई में एक नंबर का कॉलेज होता था और उसमें सीटें मतलब सिफारिशों से भरी जाती थी और मेरिटोरियस बच्चे लिए जाते थे। और इन लोगों ने जो मैनेजमेंट रही है पीछे की, उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारी इस बार सीटें खाली रही हैं। तो ये हमारे सारे समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है, हमें सोचना चाहिए। और मैं तो जो मैनेजमेंट के भाई हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अपने हित को छोड़ करके, अपने पर्सनल मामले को छोड़ करके और इस संस्था के हित में सोचें और मिल बैठ करके ऐसी मैनेजमेंट बनाएं जो इसको आगे यूनिवर्सिटी का रूप दे सके, जो इसमें नए कोर्सेज ला सके। और जो हमारे बुज़ुर्गों ने, सेठ छाजूराम जी ने कहाँ कलकत्ता से आकर के इस संस्था की शुरुआत करी थी, इतनी पुरानी संस्था है, हमारे आज़ादी से पहले की, बहुत पहले की संस्था बनी हुई है। तो मेरा तो समाज के सभी साथियों से एक ही अपील है कि सोच समझ के वोट डालें, जो संस्था का हित में हो वो फैसला लें। ताकि सर्वसम्मति के भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं लग रहे हैं, हम करेंगे इस बात के लिए, हर साथी से मिलेंगे जो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं भी उम्मीदवार था, मैंने विड्रॉ कर लिया था कि मैं किसी तरीके से सर्वसम्मति बना करके और इसमें ठीक मैनेजमेंट बनाई जाए ताकि संस्था तरक्की कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर लागू रहने से, एडमिनिस्ट्रेटर जब से रहा है, संस्था को कितना नुकसान हुआ है? भाई नुकसान तो देखो मैं बताऊं आपने, ये चीज़ें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो संस्था की हम मीडिया में ना लेकर आएँ, समाज जब इकट्ठा हो उस समाज के बीच में रखी जाएँ और उसका समाधान निकाला जाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो मेरा तो एक ही सोचना है, जो कोई भी आदमी संस्था में चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे कॉलेजियम का मेंबर है और चाहे वो एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनना चाहता है, चाहे वो प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट बनना चाहता है, उसको अपने ही छोड़ देने चाहिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, यहाँ लोगों ने इसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया। भाई जो भी बनते हैं, प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट बनता है, सेक्रेटरी बनता है या कैशियर बनता है, वो 2 से लेकर के और 6-8 तक अपने परिवार की नौकरियां लगा लेते हैं। मतलब इसको ये बुरी बात है, जिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होगी, समाज ने ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए और ऐसे लोगों को आगे लेके आए जिनकी मेंटेलिटी ये हो कि भाई हम इसको अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसमें नए कोर्सेज ला करके और समाज के बच्चों को रोज़गार के नए साधन मुहैया कराएंगे। क्या कॉलेजियम का चुनाव भी दोबारा हो गया क्या इसमें? नहीं, कॉलेजियम का चुनाव दोबारा नहीं हुआ, 2 साल पहले हुआ था, वही रहेगा, जो वही रहेगा जी, वही स्टैंड करेगा, वही प्रधान चुनेंगे अपने में, वही अब सारी एग्जीक्यूटिव चुनेंगे। जी जी हाँ बिल्कुल। कितने कॉलेजियम हैं टोटल? 296 कॉलेजियम मेंबर हैं जी। हाँ जी, और उसी में से 4 एग्जीक्यूटिव के। कितने हैं प्रधान के दावेदारी, कितने आए हैं अभी? अभी ये नॉमिनेशन का क्या कुछ शेड्यूल है? ये मैं बता रहा हूँ आपको कि काफ़ी लोग हैं अभी तो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हाँ। लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही था, हमारा प्रयास है कि एक बार मिल बैठ करके और इसको एक सामाजिक तौर तरीके से सबसे बात करेंगे और कोई ठीक लोगों की कार्यकारिणी अब की बार बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। ने फैसला किया सर्वसम्मति से कि भाई या तो 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हैं हम, या तो मंत्री को बर्खास्त करो, नहीं तो 10 तारीख के बाद सभी खपे एक महासम्मेलन बुलाएंगी और महासम्मेलन में आगे जो भी रवैया होगा, जो भी कदम उठाएंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। कहाँ बुलाई जाएगी महापंचायत? ये भी स्थान निश्चित किया जाएगा।
हाँ जी सोनिया जी, आज जो खाप ने जो फैसले लिए हैं, जो सब लोगों ने मिलके फैसला लिया सारी खापों ने, उसका स्वागत करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, भाई सरकार से हम कोई हिंसा नहीं चाहते, हम अहिंसक तरीके से अपना फैसला चाहते हैं, हम इस आदमी की बर्खास्ती और गिरफ्तारी चाहते हैं। या तो सरकार इसको बर्खास्त कर दे 10 तारीख तक और गिरफ्तार कर ले, नहीं तो जो मेरी खाप सरदारी बोलेगी, जैसा कि बोला है 10 तारीख के बाद हम एक बड़ा महासम्मेलन बनाएंगे, उसमें बड़ा हरियाणा स्तर पे फैसला लिया जाएगा, फिर सरकार हमें ना बोले कि हमने अल्टीमेटम नहीं दिया था।